नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को हस्त नक्षत्र में गंगा जी का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ था। ऐसे में इस दिन पतित पावन माँ गंगा के आगमन का सनातन समाज में गंगा दशहरा के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण सहित कई ग्रंथों में गंगा अवतरण का वर्णन किया गया है। इनकी कथाएं सुनाई गई हैं, जिसके अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन महाराज भागीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वर्ग से गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। ऐसे में इस साल यानी 2021 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को यानी गंगा दशहरा 20 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा की तिथि होगी 19 जून 2021 शाम 6:50 से और समापन होगा शाम 4:25 20 जून को। पाप मोचनी स्वर्ग की नसेनी गंगा का स्नान व पूजन हिंदू धर्म में विशेष पुण्यदायक माना गया है। ऐसे में हर अमावस्या और अन्य पर्वों पर भक्त दूर दूर से आकर गंगा स्नान करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह दिन संवत्सर का रूप मुख माना गया है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करके दूध बताशा जल रोली और नारियल धूप दीप से पूजन करके दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा शिव ब्रह्मा सूर्य भागीरथ और हिमालय की प्रतिमा बनाकर पूजन करने का विशेष फल मानते हैं। इस दिन गंगा जी में स्नान करने से अन्न वस्त्र दान जप तप उपासना और उपवास करने से 10 प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में ग्रंथों में गंगा जी की अत्यधिक मान्यता है, वहीं इसे परम पवित्र लोक पावनी नदी माना गया है। ऐसे में इस दिन लाखों लोग दूर दूर से आकर गंगा जी की पवित्र जलधारा में जगह जगह स्नान करते हैं, जिसके चलते इस दिन गंगा जी की कई तटों पर और घाटों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है। वहीं इस दिन कई अन्य पवित्र नदियों में से भी लोग स्नान किया करते हैं। गंगा दशहरा के दिन कई चीज़ों का दान किया जाता है। तेज गर्मी की वजह से छतरी पंखा शरबत और पानी के पात्र जल का विशेष महत्व होता है, तो जल दान किया जाता है। सूती वस्त्रों का दान किया जाता है और अपनी स्वेच्छा के अनुसार कई चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, वह विशेष फलदायी माना गया है। और गंगा दशमी के दिन गंगा जी में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य पवित्र नदियों में भी स्नान उत्तम माना गया है। लेकिन यदि ये भी संभव ना हो पाता है तो आप गंगा जल के सामने रखकर उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। पूजा का पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है कि आप घर से बाहर ना निकल पाएं तो आप घर में ही गंगा माता की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी आप लोगों को उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गंगा पूजन करने से सभी प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन अनेक घरों में दरवाजे पर 5 पत्थर रखकर 5 पीर पूजे जाते हैं। इसी तरह परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 1.25 शेर चूरमा बनाकर साधुओं ब्राह्मणों और गरीबों में बांटा जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को काफ़ी मात्रा में अनाज दान दिया जाता है। इसके अलावा इस दिन आम खाने, आम का दान करने, आम का जूस या फिर कच्चे आम का पना देने दान देने में विशेष महत्व मानता है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी गंगा दशहरा को लेकर एक विशेष मान्यता है, लंबे समय से चली आ रही है कि दरअसल स्वर्ग से उतरी गंगा सर्वप्रथम इसी जगह पर प्रकट हुई थी। ऐसे में गंगा दशहरा का सबसे बड़ा उत्सव यहीं मनाया जाता है। कहा जाता है कि गंगा जी का उगम यहीं गंगोत्री से होता है। उत्तराखंड में इस दिन लोग अपने घरों में दरवाजे पर न केवल गंगा दशहरा के द्वारपात्र गंगा दशहरा के दिन द्वारपात्र लगाए जाते हैं, बल्कि पूजा कर माँ गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं।
इन द्वार पात्रों के संबंध में मान्यता यह है कि जिस भी घर में लगे होते हैं वहां कभी भी व्रजपात आकाशीय बिजली नहीं गिरती। इसके अलावा देश भर में मुख्य रूप से गंगा दशहरा पर लाखों भक्त प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी और गंगा नदी के अन्य तीर्थों में स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं। इस अवसर पर यहाँ मेला भी लगाया जाता है। आइए अब आपको गंगा दशहरा की पावन कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम के पूर्वज सगर नाम के एक महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी केशिनी व सुमति नाम की दो रानियां थीं। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार उनकी पहली रानी का एक पुत्र असमंजस और दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करने के बाद एक बार अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो उस घोड़े को खोज रहे थे। लाख प्रयास के बाद भी उन्हें यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। पृथ्वी पर घोड़ा न मिलने की दशा में उन लोगों ने एक जगह से पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया और पाताल लोक तक पहुंच गए। पाताल लोक में घोड़े की खोज में वे सभी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़े को मुनि के आश्रम में बंधा देखकर राजा सगर के 60,000 पुत्र गुस्से और घमंड में आकर कपिल मुनि पर प्रहार के लिए दौड़ पड़े। तभी कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। अंशुमन को इस घटना की जानकारी गरुड़ से हुई तो वे मुनि के आश्रम गए, उनको सहदता से प्रभावित किया। तब मुनि ने अंशुमन को घोड़ा ले जाने की अनुमति दे दी और 60,000 भाइयों के मोक्ष के लिए गंगा जल से उनकी राख को स्पर्श कराने का सुझाव दिया। पहले राजा सगर, फिर अंशुमन। राजा अंशुमन के पुत्र दिलीप ने सभी को गंगा को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तब राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा के वेग को केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं, तुम्हें उनको प्रसन्न करना होगा। तब भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर अपनी इच्छा व्यक्त की। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली गंगा को अपनी जटाओं में रख लिया और फिर उनको पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ और महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह थी माँ गंगा की पवित्र कहानी। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माता गंगा की पूरी पूजा विधि भी मैं अपने चैनल पर डाली हुई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। पूजा पाठ, कथा कहानियों से रिलेटेड हर एक वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।